दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पहले दिन से ही ये फिल्म तूफान की तरह आगे बढ़ रही है और ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज करा रही है। फिल्म ने अब तक 134 करोड़ 42 लाख की कमाई कर ली है, जिसके बाद ट्रेड एक्सपर्ट इससे 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अगर फिल्म के 5 दिनों के अंदर बनाए गए सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसने साल 2019 की सबसे बड़ी हिट फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को भी धूल चटा दी है। दरअसल कबीर सिंह कम बजट वाली फिल्मों में सबसे तेज 100 करोड़ का कारोबार पूरा करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने 5 दिनों में ये कारनामा किया है, जबकि विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 10 दिन लगे थे। उरी धीमे धीमे ही कमाई करते हुए साल 2019 की सबसे बड़ी कमाऊ फिल्म बन गई थी। फिल्म कबीर सिंह ने उरी ही नहीं बल्कि तनुवर्त मनु रिटर्न्स, स्त्री और राजी जैसी फिल्मों को भी इस मामले में मात दे डाली है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। तरण ने ट्वीट कर लिखा, डेज टेकन टू रीच 100 करोड़ बाय मिड रेंज फिल्म्स, कबीर सिंह डे 5, उरी डे 10, तनुवर्त मनु रिटर्न्स डे 11, स्त्री डे 16, राजी डे 17, बधाई हो डे 17। बता दें कि संदीप वांगा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साउथ की फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक है। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही हो, लेकिन ये फिल्म का अब जमकर विरोध भी हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोग फिल्म को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। फिर देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या शाहिद की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कबीर सिंह वहां ठहर जाते हैं जहां प्रीति आती है, तो उनको तो बुलाना पड़ेगा। गिव इट अप फॉर कियारा अडवाणी लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रीति। प्रीति बोल रहे थे यार, वेलकम कियारा एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन ऑल दिस। अ विजनरी एंड आई थिंक ही इज जस्ट किल्ड इट। गिव इट अप फॉर द वन द ओनली संदीप रेड्डी वाला, the director of the movie. Of course he's written it, he's created this masterpiece. Sir, some serious female fan following, sir. The first question to you is, and that is, sir, khud ka, you know, khud ka kitna hissa do you see in Kabir Singh, because you are the one who's actually got him to life. So kitna dikhte hain khud ko isme? Yeah, I mean, whenever a writer writes anything, personal infliction will come, right, to some extent, right? I don't know the percentage, but there is a little bit of me in this. So how many times have you been heartbroken, sir? Bahut straight ho gaya. Ye do teen baar hua hai. Hua hai na do teen baar. Ye wala kaun si baar wala hai, sir? Thank you. Sir ne smile se bata diya, tumko bahar dekhunga main. Kabir Singh mere andar bhi hai. All right, Kiara, you know, being Preeti in this movie, and jaisa maine kaha, thehrao aa jata hai. आपके सामने ही समथिंग एल्स, अदरवाइज ही समथिंग एल्स। कैसा लगा उनका लव इंटरेस्ट इस मूवी में प्ले करने को? आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ अ लव स्टोरी दैट्स सो डीप, एंड टू हैव शाहिद एज कबीर, इट्स जस्ट मेड माय लाइफ इजीयर एज प्रीति। सो थैंक यू शाहिद एंड थैंक यू सर। आई हैव नेवर सेड दिस, और मे बी आई हैव मेनी टाइम्स एक्चुअली, बट आई थिंक एवरी एक्टर एक्ट्रेस ड्रीम्स ऑफ लाइक अ वेरी इंटेंस डीप लव स्टोरी, एंड आई एम रियली लकी दिस वन केम आउट। Shahid, you know, you've given us some of the best test performances of the industry, and I can say it, I'm sure yahan pe bahut sare log usko back karne ke liye taiyar hai. This time it's completely hatke, but apna kitna hissa isme dala hai? How much of Shahid are we gonna see in Kabir Singh? First of all, I want to send on my love to all you guys at the back. Thank you so much for coming here. You guys are the reason why we make movies, so you guys count the most. Thank you. This is a very special film. Kabir Singh is a film that's straight from the heart, and I think the best films are the ones that are straight from the heart. And I think the heart belongs to Sandeep. I don't know when it got broke, but a lot of shit happened after it got broke. So you'll see all of that in the world of Kabir Singh. It's a very emotional arc that was so exciting, good an opportunity as an actor. We've put a lot of heart and soul into this film. It's been a very, very long, very intense journey. We've all been through a very intense journey for a year,
And we really hope that people can feel the pain, the angst, the love that Kabir Singh is trying to honestly depict in the film on the 21st of June. Of course, Zordar Thalia. He's made the movie his own. Mike pe bolna Sandeep. Any character, see, any character in any film, yeah. If a writer, director offers to an actor, it can't be exactly of that character. It's a blend of Shahid Kapoor and Kabir Singh. You know, the percentage, he'll be knowing it better than me. What percentage of Shahid was mixed with Kabir, with any actor, and this is obviously, it's his... But many days used to give me that expression that you're screwing my film up. Don't do this to me. You have no idea what Arjun Reddy means to me. Many days used to give me this expression. क्या आज तू क्या कर रहा है यार ये मत कर यार रुक जा यार but sir tell them today tell them everything he's killed it na banda mike sandeep mike pe bola how should I say that for you to please sir we've got it sir we know you are a man of few words and aapka kaam aapke liye bolta hai there's another gentleman jinka kaam unke liye bolta hai he is a rock star someone who knows what the people want the one the only mr bhushan kumar ladies and gentlemen md and chairman t series you sirs And also Cinnabon Studio se may I invite on stage Mr. Murad Khetani and Ashwin Wadhe sir. They've backed this wonderful project and the way they've done it. I'm sure results hum sab ke samne hain aur 21 tarikh ko honge bhi. Bhushan sir, we all know ki har bar you know you have this adat of hitting the ball out of the park. This time also sare records break karne ke liye all set. Yeah, all set and I just want to congratulate Shahid. पिक्चर देखी है दिस इज जस्ट आई थिंक 2% ऑफ व्हाट द फिल्म इज वो दिखाई दे रहा सर पार्क की नजर सर वही है सर जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ कबीर सिंह वी विल हैव अ क्विक फोटो ऑफ फॉर यू गाइस या एंड जी माइक्स ले लेंगे एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चंस कबीर सिंह देसी वाला सामने है सेंटर सेंटर सर सेंटर यहां पे ग्रेट थैंक यू सो मच सो यार डिफरेंट अंदाज देखे डिफरेंट स्टाइल देखे जैसे अल्कोहल लेता है स्मोक करता है आइस को अपने पैंट में रखता है आइस को पहन के रखता है पैंट में रखता है आपका कौन सा फेवरेट रहा एंड शूटिंग के दौरान आपको बहुत आपको एंजॉय किया बहुत गर्मी थी आइस वाला मस्त था बहुत गर्मी हो जाती है ना बॉम्बे में कियारा जी तकरीबन हाय कितने किसी भी सीन होंगे आपके अनुसार देख के गिन ले गिनी नहीं हां गिनी नहीं देखना पड़ेगा 21st जून उसी का पैसा है उसी का ऑलराइट अरुण वी विल कम बैक टू यू एक सेकंड बस शायद से चर्चा मेरा सवाल आपसे ये था सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन था और थैंक यू बरी और एक चीज आपने नोटिस किया होगा टीजर में भी गाली थी और अभी भी नोटिस किया होगा कि आपके एक्शन और रोमांस से ज्यादा आपकी गाली पे सीटी बजी थी सर तो मेरा सवाल ये था खैर फिल्म में तो गालियां मनोरंजन के लिए डाला गया है पर आपका रियल लाइफ में गाली से कैसा एक्सपीरियंस है आखिर आपकी नजरों में गाली है क्या और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है बेटा PhD करना पड़ेगा ये गाली के ऊपर आज तक PhD का ऐसा कहीं पे भी सिलेबस में है नहीं सिर्फ कबीर सिंह के सिलेबस में हो नो बट मैंने इसलिए शुरुआत में जब हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी फिल्म की मैंने यही कहा था कि प्लीज़ आप फिल्म की जो सोल है फिल्म की जो लव स्टोरी है और जो कैरेक्टर का पेन है प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप 2.5 मिनट का ट्रेलर देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर फिल्म की कहानी और क्योंकि ये टाइटल रोल है इसलिए कैरेक्टर का एटीट्यूड क्योंकि आप कबीर सिंह को देखने आ रहे हैं सो यू वुड नीड टू नो कि कबीर सिंह है कौन मैं 2.5 घंटे उसको झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा मुझे एंटरटेन करेगा मुझे रुलाएगा मुझे हंसाएगा क्या करेगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ कबीर सिंह एंड द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर तो इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं यस द कैरेक्टर हैज़ अ क्रेजी एटीट्यूड एंड यस दैट्स एक्साइटिंग बट द फिल्म इज नॉट जस्ट एक्साइटिंग देयर इज अ लॉट मोर टू इट शायद ऑन योर लेफ्ट हाय दिस इज सिमरन सिंह हियर एंड कांग्रेचुलेशंस टू द टीम फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर मेरा सवाल आपसे ये कि आपको जब हमने जब भी ऐसे रोल्स में देखा ना एजी रोल जैसे हमने अभी जस्ट आपने भी बात की कमीने हो थोड़ा सा मिसिंग होता है बट इस मूवी में वो दिखाई दे रहा है तो आप वो बताइए कि हाउ डिफरेंट इज इट व्हेन यू प्ले सच अ रोल व्हेन यू चूज सच अ फिल्म यू हैव टू बिकॉज हमने अर्जुन रेड्डी देखी है इट्स अ वेरी डार्क फिल्म मतलब देखा जाए तो उसको एक जिस हिसाब से ट्विस्ट किया गया है जो एड किया गया बॉलीवुड नेस जो हम अगर कहे सो यू ओनली आप ही बताइए आई थिंक कुछ हद तक इस सवाल का जवाब संदीप को देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट यू लाइक द ट्रेलर
अर्जुन रेड्डी अगर आपने देखी है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी लोगों को, एंड बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट हार्ट ब्रेक ऑल्सो, तो उसके अंदर ऑफकोर्स इमोशनल मोमेंट्स होंगे, पैशनेट मोमेंट्स होंगे, टेक्निकली डार्क मोमेंट्स होंगे, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म एंड अ वेरी पैशनेट फिल्म. इसको कहीं भी बॉलीवुडाइज वर्ड मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, बिकॉज उसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, कौन सी चीज़ें फिल्म को बॉलीवुडाइज करती हैं. अगर देखा जाए तो नहीं, फिल्म फिल्म की जो एनर्जी है और जो वर्ल्ड है हमने उसको चेंज नहीं किया है. इनफैक्ट मे बी संदीप यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट दैट इट्स वेरी सिमिलर टू अर्जुन रेड्डी और यू नो. या इट्स प्रीटी मच सिमिलर बट यू नो वंस द रीजन एंड द टोपोग्राफी चेंजेस विद द कैरेक्टर फ्रॉम फ्रॉम रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद मैंगलोर टू सिंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे सो थिंग्स लाइक दैट विल चेंज विद द with the region and the character and the caste system in the north. So other than that, I think we kept the core emotion same and tried to treat it in a little different way, we didn't change the skeleton of the film or the core emotion of the film.